मैं लिखता हूँ, आपका ये जो है काफ़ी अच्छा है, एक जिम नहीं अच्छा। देखें ये जिम का पूरा सिर है यहाँ के आधे से, आप आपके इलाकों से और थोड़ा सा एकदम इधर आ जाते हैं, थोड़ा सा यूं करके ना। अब देखें मैं आपके सामने बनाता हूँ, ये कोशिश करनी है कि ये जिम का सिर पूरे कद से ना बने, कोना कद लगे। और अब यहाँ देखें, यहाँ से आके अलग हुआ हूँ, ये किधर आए हैं, ठीक है जी। इसी तरह ये जो है इसमें आपका कलम का रुख इस तरह है, कलम का रुख इस तरह लगना चाहिए। ये जो आप कलम के कद से ये एक नुक्ता सा लगाएं, इसका रुख ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत बुनियादी चीज़ है, ये आप याद रखेंगे तो फिर आप हर लफ्ज़ में इसी तरह तक इसी तरह थोड़ा सा किसी जगह रोल करते हैं या लाम अलिफ ला बनाते हैं, फिर उसको थोड़ा सा ऐसे ले जाते हैं, ज़्यादातर ये इसी तरह रहते हैं। अच्छा, ये भी आपने ना लफ्ज़ आपने ज़रा छोटे बनाए, ये जगह जो है ये तो आँख जो ये आँख बनाते हैं ये ज़रा लंबी बनानी है। इसी तरह स्वाद का ये हिस्सा जो है ये 10 से 12 गज के दरमियान लंबा होना चाहिए। जी अलग से छोटा होता है, ये जगह हमने इसकी गोल वाली स्वाद से ज़रा कम बनानी है। ठीक है जी, ये मीम भी देख लें, ये मीम इस तरह करके ये जगह आपने ज़्यादा बड़ी बड़ी बना दी है। ये देखें, ये इसके ऊपर के जो अलिफ हैं ये दोनों ये बड़े बनते हैं। ये भी देख लें, ये जगह में आईना आपने काफी ठीक बनाया। इसमें ये चीज है थोड़ी सी, अब यही आज मैं आपके ये अल्फाज लिखता हूँ। ये तो पूरी बनानी चाहिए, कम अज़ कम 5 का ज़रूर होनी चाहिए। ये इस तरह का ये इतना लाम तो होता है, ये वाला जो लाम है ये वाली चीज़ है। ये ऐसे हो गए, फिर ऐसे हो गए, ये देखना, ये जो ये मुश्किल होता है, ये जगह जी इन दोनों पे पूरा पेन पूरा लगेगा, ये जो जगह आती है जी, ये इधर जाते हुए कम लगेगा, वापस आते हुए पूरा लगेगा। Thank you.
इसका मतलब क्या है? बस ये हरूफ मुकम्मल हो गए, ख़त्म हो गए अल्लाह की मदद से। ये फिर अल्लाह के तीन नाम हैं जो मलिक है, रऊफ़ है,